हेलो स्टूडेंट्स, तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश ग्रामर और क्लास रख गई आपके 4। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस का ये पार्ट हम आज में पढ़ेंगे क्या है कि जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में ने दो शब्द आता है। क्या आता है बेटा? ने दो शब्द आता है। जैसे मुझे खाने दो, मुझे रहने दो, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे गाना गाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे बैठने दो, मुझे खेलने दो। ये सारे सेंटेंस आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस बनेंगे, ट्रांसलेट होंगे। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल है मुझे खाने दो, मतलब इसमें जो वर्ब है, क्रिया क्या है हमारी? खाना। इसमें क्या आ रहा है? ने दो। ठीक है, जैसे मुझे स्कूल जाने दो, तो जाना क्या है हमारा? क्रिया है, वर्ब है। ये क्या है हमारा? जाना। तो जाना क्या होता है? गो। ठीक है, तो ने दो जो शब्द आ रहा है इस पर हम फोकस रखेंगे। इस वाले सेंटेंस का रूल क्या है हमारा? रूल बेटा इसका रहेगा, नियम जो रहेगा इसके, सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, उसके बाद मुझे है तो क्या लगाएंगे? मी। मुझे है तो मी लगाएंगे, जैसे उसे है तो क्या लगाएंगे? हिम लगाएंगे, और हमें है तो अस, और उन्हें है तो देम। ठीक है, इनका भी हम रिविजन इन्हीं सेंटेंसों से कर लेंगे। ठीक है, देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक, बने रहिए। देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल हमारा क्या है, उसे पढ़ने दो। तो नियम क्या करना, सबसे पहले हम लेट लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट। उसे की स्पेलिंग क्या है? लेट लगाओ, नहीं सॉरी, सेंटेंस को स्टार्टिंग में करेंगे लेट से, लेट। उसे की स्पेलिंग क्या है बेटा? हिम। तो लेट हिम, और यहाँ पे क्या जाएगा पढ़ने की, क्या जाएगी? रीड। लेट हिम रीड। उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने दो, तो लेट हिम रीड, लेट हिम रीड। सेकेंड सेंटेंस, मुझे खेलने दो। ठीक है, मुझे खेलने दो, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले लेट ही लगाएंगे, एल ई टी, लेट, और मुझे की क्या है बेटा? मी। ये क्या हो जाएगा? मुझे की हो जाएगी मी। ठीक है, लेट मी, और खेलने की क्या होगी? प्ले। लेट मी प्ले, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। नेक्स्ट है हमें खाने दो, तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, और हमें की है बेटा अस, यहाँ पर लिख देंगे हमें। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं। तो हमें खाने दो, तो लेट अस ईट, लेट अस ईट, लेट अस ईट। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें नाचने दो, उन्हें नाचने दो, नाचो भैया। देखिए तो कैसे बनेगा, सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट, उन्हें की है बेटा देम, इसकी है देम, टी एच ई एम, लेट देम डांस, लेट देम डांस, उन्हें नाच दो, उन्हें दो, लेट देम डांस। एक बार दोबारा रिविजन करेंगे, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड। सेकेंड है मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, और हमें खाने दो, लेट अस ईट। ठीक है, ऐसे रिवीजन करेंगे, हमें खाने दो, लेट अस ईट, उन्हें नाचने दो, लेट देम डांस, उन्हें नाचने दो, लेट देम डांस, उन्हें नाचने दो, लेट देम डांस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, उसे स्कूल जाने दो, उसे स्कूल जाने दो। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? लेट, उसके बाद क्या लगाएंगे? उसे किस करेंगे? लेट हिम, और जाना की क्या बेटा? गो, लेट हिम गो, और स्कूल की स्कूल लगा दो, लेट हिम गो टू स्कूल। तो उसे स्कूल जाने दो, तो लेट हिम गो टू स्कूल, लेट हिम गो टू स्कूल, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे स्कूल जाने दो, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? लेट, मुझे के भी क्या बताई थी बेटा मैंने? मी, तो लेट मी गो टू स्कूल, लेट मी गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। उन्हें गाना गाने दो, उन्हें गाना गाने दो, ने दो दे रखा है, तो क्या लगाएंगे? लेट, और उन्हें की क्या है बेटा? देम, उन्हें की क्या है? देम, लेट देम सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे अच्छे तरीके से। उसे किताब पढ़ने दो, उसे किताब पढ़ने दो, तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट, और उसे की क्या है बेटा? हिम, तो लेट हिम, पढ़ना की क्या है? रीड द बुक, लेट हिम रीड द बुक। ठीक है, इन सेंटेंस हमारे एक बार रिविजन करते हैं। उसे स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल, उन्हें गाना गाने दो, लेट देम सिंग द सॉन्ग, और उसे किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड द बुक। ठीक है, सेंटेंस मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं, इनको भी हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है उसे बैठने दो। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे बेटा? सबसे पहले लेट लगाएंगे, ठीक है, लेट, उसे की हिम है, और बैठने की क्या है बेटा? सेट। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी चीज़ तो ये, आपको वर्ब याद होनी चाहिए, सभी बच्चों को वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए वर्ब की। मुझे खाना खाने दो, तो लेट मी ईट द फूड,
लेट मी ईट द फूड, मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे एक हफ्ता याद करने दो, तो लेट हिम लर्न, लेट हिम लर्न ए पोइम, लेट हिम लर्न ए पोइम। मुझे आम खाने दो, तो लेट मी ईट द मैंगो, मुझे आम खाने दो, लेट मी ईट द मैंगो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने ये रहा, उसे रोजाना स्कूल जाने दो, तो सबसे पहले हम लगाएंगे लेट, उसे किए हिम, लेट हिम गो टू स्कूल, लेट हिम गो टू स्कूल। रोजाना की क्या है बेटा? डेली, ठीक है, रोजाना की क्या है? डेली। लेट हिम गो टू स्कूल डेली, उसे रोजाना स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस, हमें मैदान में क्रिकेट खेलने दो, तो लेट हमें की है अस, लेट अस प्ले द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट इन ग्राउंड, इन द ग्राउंड, जी आर ओ यू एन डी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है हमको वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे हिंदी की किताब पढ़ने दो, सबसे पहले क्या लगाएंगे? लेट हिम, लेट हिम रीड, लेट हिम रीड द बुक, लेट हिम रीड द बुक ऑफ हिंदी, लेट हिम रीड द बुक ऑफ हिंदी, उसे हिंदी किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड द बुक ऑफ हिंदी। एक बार रिवीजन करते हैं, उसे बैठने दो, लेट हिम सिट, मुझे खाना खाने दो, लेट मी ईट द फूड, उसे कब तक याद करने दो, लेट हिम लर्न ए पोइम, मुझे आम खाने दो, लेट मी ईट द मैंगो, उसे रोजाना स्कूल जाने दो, लेट हिम गो टू स्कूल डेली, हमें मैदान में क्रिकेट खेलने दो, लेट अस प्ले द क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, उसे हिंदी की किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड द बुक ऑफ हिंदी, ठीक है। तो ये हमारी क्लास हुई कंप्लीट, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और रिवीजन करते रहें, और वर्ड मीनिंग जरूर याद रखें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।